हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती के संबंध में एक बड़ी अपडेट के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों की काफ़ी पद यहाँ पर रिक्त हैं, तो ऐसे में कई लोग जो है पद वृद्धि के संबंध में भी बात कर रहे थे। तो फाइनली यहाँ पर जो है पद वृद्धि हो गए हैं और किस यहाँ पर पदों पर हो रखे हैं, मतलब कौन कौन सब्जेक्ट हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल में, हम इसके बारे में हम जानेंगे, विषयवार लिस्ट के बारे में हम जानेंगे, कुल कितने पदों पर वृद्धि हो रखी है और उसके विषय भी हम जानेंगे। अभी तक सब्सक्राइब करके प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटी वाले आइकन प्रेस कर लेना, इससे जो है अपडेट मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है पद वृद्धि के लेकर, इसमें जो है कितने पदों पर जो है वृद्धि हुई है वो भी हम डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा 17 दिसंबर 2021 को यहाँ पर जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, विज्ञप्ति शुद्धि पत्र करके। इसमें जो है कहा गया कि तदर द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा जो कि विज्ञापन संख्या 13 अक्टूबर 2020 द्वारा यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में जो है समूह ग के अंदर का जो है सहायक अध्यापक एलटी के कुल जो यहाँ पर 1431 पदों पर जो है भर्ती सीधी भर्ती हेतु चयन हेतु यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया था। तो ये आपका 13 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर विज्ञापन निकाला गया था, जो कि 1431 पदों पर निकाला गया था। इसके अंतर्गत यहाँ पर कहा गया है कि मंडली अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल पौड़ी द्वारा यहाँ पर जो है किए गए अनुरोध के क्रम में यहाँ पर जो है गढ़वाल मंडली 10% जो है सीधी भर्ती सामान्य शाखा तथा यहाँ पर 10% जो है महिला शाखा के यहाँ पर जो है विज्ञप्ति पदों में जो है निम्न अनुसार जो है वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं पौड़ी गढ़वाल की ओर से ये वृद्धि कर दी गई है, 10% जो है आपका यहाँ पर सामान्य शाखा में कर दिया गया है और 10% जो महिला शाखा है इसमें जो है पद वृद्धि कर दी गई है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों को आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है हिंदी विषय में जो विज्ञापित पदों की संख्या थी वो यहाँ पर 13 थी, अब पदों की जो संशोधन करने के बाद यहाँ पर 17 हो चुकी है, यानी कि आपके जो है 4 पोस्ट यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। इसमें आप लोग देखते हैं कि एससी के 3 थे, 3 ही हैं यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस के 1 था, यहाँ पर 1 है ओबीसी, ओबीसी तो ओबीसी के 2 पद बढ़ा दिए गए, ओबीसी के नहीं थे यहाँ पे, और जनरल वुमेन के जो है 1 पद बढ़ा दिया गया, पहले 2 थे यहाँ पर 3 बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। और अंग्रेजी विषय अगर बात करें तो यहाँ पर देखते हैं 11 पद हैं और पहले 11 पद थे, अब 14 पद हो चुके हैं, 3 पद यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। कहाँ कहाँ पर बढ़ा रखे हैं अगर बात करें तो, एक तो जनरल वुमेन में जो है 1 पोस्ट बढ़ा दी गई है इन्होंने, और दूसरा पोस्ट जो है ओबीसी में बढ़ा रखी है, ओबीसी में पहले 1 था, यहाँ पर 2 हो चुके हैं, तो 1 1 पोस्ट बढ़ा दी गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर संस्कृत का, तो संस्कृत का आप लोग देखते हैं 1 पोस्ट था एससी कैटेगरी का और 2 पोस्ट हो चुके हैं, 1 यहाँ पर जनरल का कर दिया गया है। और उसके बाद गणित में अगर बात करें तो यहाँ पर 1 पोस्ट थी एससी का और इसमें अब जो है 13 पोस्ट बढ़ा दिए गए, यानी कि आपके यहाँ 12 पोस्ट पद वृद्धि हो चुके हैं इसमें। अब यहाँ पर 1 की जगह पर 3 एससी कैटेगरी के हैं और ओबीसी भी आ चुका है 1, ईडब्ल्यूएस का भी आ चुका है 1, 6 जनरल के हैं और वुमेन के यहाँ पर जनरल में 2 पोस्ट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए विज्ञान वर्ग में 11 और पहले 11 थी, अब हो चुके हैं बढ़ के 14, यानी कि 4 पोस्ट यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं। इसमें आप लोग देखते हैं 1 तो एससी कैटेगरी में बढ़ रखा है, पहले 2 था, 3 हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पर जनरल में 2 पोस्ट बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 था, 2 हो चुका है, और उसके बाद जनरल वुमेन में यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 और बढ़ा देगा, 2 हो चुके हैं। सामान्य यानी कि सामान्य का मतलब है एसएसटी में, एसएसटी में भी जो है 4 पद थे टोटल, इसमें जो है 4 ही हैं, ये तो सेम रखा गया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद कला में, कला में 6 पोस्ट थे, 17 पोस्ट बढ़ा दिए, इनकी 11 पोस्ट बढ़ा चुकी हैं। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर सेम है, ये भी सेम है, ओबीसी में 1, हाँ ओबीसी में 1 पोस्ट बढ़ा रखी है और ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट बढ़ चुका है और जनरल के भी 7 पोस्ट बढ़ चुके हैं और जनरल वुमेन के 1 पोस्ट था, 2 पोस्ट यहाँ पर बढ़ चुके हैं, 3 हो चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद व्यायाम की अगर बात करें तो व्यायाम में 10 पोस्ट, तो व्यायाम में जो है 10 पोस्ट से लेकर 8 पोस्ट, यानी कि 2 पोस्ट घटा दी गई हैं इसमें। और उसके बाद वाणिज्य, वाणिज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 पोस्ट था, 1 ही पोस्ट है, उर्दू में भी 1 पोस्ट था, एक ही पोस्ट है। और उसके बाद ये थोड़ा था, 10% जो है सामान्य शाखा में था, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर जो है 10% महिला शाखा में, तो 10% महिला शाखा में अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेजी में 0 था पहले, तो 1 पोस्ट एससी कैटेगरी का बना दिया है। उसके बाद यहाँ पर गणित में कुछ भी पोस्ट नहीं था, 1 पोस्ट एससी कैटेगरी का बढ़ा दिया गया है। सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर 1 पोस्ट बढ़ा दिया गया है, 0 कुछ भी पोस्ट नहीं था पहले। उसका कला में भी यहाँ पर कुछ भी नहीं था, व्यायाम में कुछ भी नहीं था, गृह विज्ञान में कुछ भी नहीं था, 1 1 पोस्ट जो है कला व्यायाम गृह विज्ञान इन सब पर एससी कैटेगरी के 1 1 पोस्ट यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि उक्त के जो है अतिरिक्त विज्ञापन जो है 13 अक्टूबर
20 के जो शेष प्रावधान है वो यथावत रहेंगे, बाकी सब कुछ चेंज नहीं होगा। सिर्फ आपके ये पोस्ट बढ़ा दिए हैं, एक तो महिला शाखा में 10% बढ़ा दिया गया है, दूसरा सामान्य शाखा में 10% जो पद वृद्धि होती है वो बढ़ा दिया गया, यानी कि आपका यहाँ पर जो है कुल मिलाकर जो विभागीय वाला है, ठीक है, ये सीधी भर्ती वाली में नहीं काउंट होगा, क्योंकि 10% जो होता है वो विभागीय वाला होता है, ठीक है। तो ये विभागीय वाले में है, तो इनकी विभागीय वाले में जो है पदों की वृद्धि हो चुकी है, बाकी जो सीधी भर्ती की बात चली हुई थी अभी आपके पद वृद्धि को लेकर, उस पर भी अभी चला हुआ है मामला, और हो सकता है कि अगर यहाँ पर युवाओं की आवाज़ थोड़ा तेज़ रहे या आंदोलन करने में सही सफल रहे, तो डेफिनेटली 25% जो पद वृद्धि का यहाँ मामला चला हुआ है वो जल्दी यहाँ पर बढ़ सकता है, क्योंकि पद इतने ज़्यादा खाली हैं कि 25% बढ़ाना विभाग के लिए कोई मामूली ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये मामूली सी बात है, तो ये पद बढ़ा सकते हैं। तो टोटल जो है मेरे ख्याल से इसमें 47 पोस्ट के करीबन बड़े हुए हैं, ठीक है, एक बार काउंट कर लेना, आई थिंक इतने ही पोस्ट बड़े होंगे। और ऐसी जो है अगर यहाँ पर पद वृद्धि का मामला उठता है तो डेफिनेटली जो है आपके जल्दी पद यहाँ पर बढ़ सकते हैं।